गुड मॉर्निंग बेटा। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने कल तक पढ़ा था कि किंगडम मोनेरा में हम यू बैक्टीरिया में बैक्टीरिया को पढ़ रहे हैं, ठीक है बेटा। तो बैक्टीरिया का हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था, बैक्टीरिया में किन किन ऑर्गेनिज़म्स को इंक्लूड किया गया है वो पढ़ा था हमने, ठीक। फिर हमने बैक्टीरिया का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी बैक्टीरिया का पढ़ लिया था। क्लियर है यहाँ तक, ठीक। आज के चैप्टर में हम जो किंगडम मोनेरा का जो बैक्टीरिया है, तो उस बैक्टीरिया का यानी कि जो यू बैक्टीरिया है, उस यू बैक्टीरिया का आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, ठीक, कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो बेटा सबसे पहली बात तो ये कि हम बैक्टीरिया को थोड़ा सा रिवाइज कर लें कि बैक्टीरिया हम किसको कह रहे हैं, कि बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक। ये यूनिवर्सल होते हैं, यानी ये आपको सॉइल में, एयर में, वाटर में, ठीक, ह्यूमन बॉडी के ऊपर, प्लांट बॉडी के ऊपर, यानी कि ये सभी जगह प्रेजेंट होते हैं, ठीक। बैक्टीरिया जो है बाइनरी फिजन के द्वारा रिप्रोड्यूस होता है, ठीक। इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। बैक्टीरिया में लोकोमोशन के लिए फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ठीक। फिर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कि बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं, हेटरोट्रॉफिक होते हैं, कीमोसिंथेटिक होते हैं, सिम्बायोटिक होते हैं, ठीक। तो ये इनका क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है, ठीक। फिर कि जो बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, ठीक। तो आज हम पढ़ते हैं बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। तो बेटा बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है, तो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में हम ये बनाएं बैक्टीरिया का अगर स्ट्रक्चर, ठीक, कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर बना रहे हैं बैक्टीरिया का, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने पे ऐसा दिखता है, ठीक, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। नेकेड आई से तो बैक्टीरिया को आप देख नहीं सकते बेटा, ठीक। तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर हमको जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखो तो कुछ इस प्रकार का हमको उसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो वो स्ट्रक्चर हम ड्रा कर ले बेटा आज। ये देखिए, ये मैंने ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बन रहा है बेटा, ठीक। ये बेटा बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, ठीक है, कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने पे बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर इस तरीके का दिखेगा, ठीक। तो बेटा ये देखिए कि बैक्टीरिया में ये जो दिख रहे दोनों एंड पे जो मैंने बनाया है, ठीक, तो ये बैक्टीरिया का लोकोमोटरी ऑर्गन हो गया, क्या बेटा, फ्लैजिला, ठीक, जो हमने अभी बीच पे बोला कि बैक्टीरिया को लोकोमोशन के लिए या चलने के लिए क्या पाए जाते हैं बैक्टीरिया में, फ्लैजिला। ये बेटा मैंने स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनाई है, ठीक, ये स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर ये बैक्टीरिया की कहलाती है क्या, सेक्स पिली, ठीक। अभी इन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ये सेक्स पिली हो गई, ये जो आउटर में सबसे दिख रही बेटा, ये आउटर लेयर, ये वाली, ठीक,
इस आउटर लेयर को हम बोलते हैं कैप्सूल। ठीक, ये किसी बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगी, किसी में प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक, यानी हर किसी बैक्टीरिया में कैप्सूल हो ये जरूरी नहीं है। ठीक, ये है इसकी बेटा सेल वॉल, जो हर किसी बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगी। ये इसके बाद है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये मैंने फोल्डेड स्ट्रक्चर बनाया बेटा, कि ये जो मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये वाली, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसी फोल्ड होके एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किए किए दिख रहे हैं। इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मीजोजोम्स। क्या बोल रहे हैं बेटा? मीजोजोम्स। ठीक, ये मीजोजोम्स हो गए। ये जो बेटा सर्कुलर स्ट्रक्चर मैंने बनाया, ये बैक्टीरिया का होता है प्लाज्मिड। ये बेटा प्लाज्मिड। ये जो दिख रहा है कॉइल्ड स्ट्रक्चर, ये बैक्टीरिया का क्रोमोसोमल डीएनए, या इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियाइड। ठीक, न्यूक्लियाइड, या इसी को हम, ये किसको कंटेन कर रहा है बेटा? डीएनए। ठीक, ये जो दिख रहा है बेटा, ये हो गया आरएनए। ठीक, ये इस आरएनए से अटैच ये यूनिट दिख रही है, ये कहलाएगी राइबोसोम्स। ठीक, अब ये जो पूरा बेटा यहाँ पे जेल लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक, कि यहाँ पे एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होगा या एक मैट्रिक्स भरा होगा। ठीक, तो इस जेल लाइक स्ट्रक्चर को हम बोल रहे हैं इस बैक्टीरिया का क्या? साइटोप्लाज्म। ठीक, इसके अलावा इसमें मेटाबोलाइट्स होंगे। तो बेटा मैंने बेसिक चीज़ यहाँ पे लिख दी जिसकी आपको ज़रूरत है बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में। ठीक, तो बेटा बैक्टीरिया का अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखने पे हमको बैक्टीरिया इस तरह का दिखाई देता है। ठीक, अब एक एक चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस कर लें कि बैक्टीरिया में ये जो सबसे आउटर इन्वेलप दिख रहा है बेटा, ये मैंने ड्रा किया है। ठीक, ये आउटर समझ में आ रहा है बेटा, ये आउटर। ठीक, इस आउटर को हम क्या बोल रहे हैं बेटा? कैप्सूल। ये बैक्टीरिया का एक कैप्सूल है जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को, ठीक, कैप्सूल के बाद मैंने बनाया हुआ है बेटा ये सेल वॉल। ठीक, तो इस आउटर को हम क्या बोल रहे हैं बेटा? कैप्सूल। ठीक, ये कैप्सूल, ठीक, कार्बोहाइड्रेट या लिपिड से मिलके बना होता है। ठीक, हेट्रोपॉलीमेरिक मटेरियल। ठीक, यानी कि हेट्रोपॉलीमेरिक मटेरियल जैसे कि लिपिड, पॉलीसेकेराइड, इनसे मिलके इसकी कैप्सूल बनी होती है। ठीक, जैसे एक बैक्टीरिया का नाम सुना होगा बेटा आपने, डिप्लोकोकस निमोनियाई, जो हमारी बॉडी में निमोनिया डिजीज कॉज करता है। ठीक, तो उस बैक्टीरिया में कैप्सूल पाया जाता है एक। ठीक, तो ये जो कैप्सूल होती है बेटा, ये कैप्सूल बैक्टीरिया की सेल वॉल को प्रोटेक्ट करती है। किसको प्रोटेक्ट कर रही है? बैक्टीरिया की सेल वॉल को। तो ये कैप्सूल का फंक्शन क्या होता है? कि कैप्सूल बैक्टीरिया की सेल वॉल को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अब ये किस चीज़ से प्रोटेक्ट करेगी इसको? कि अगर बैक्टीरिया अपने नेचुरल हैबिट में है, उसका नेचुरल हैबिटेट क्या हो सकता है बेटा? वाटर हो सकता है, सॉइल हो सकता है। ठीक, अगर ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर है वो प्रेजेंट, तो वो उसका नेचुरल हैबिटेट है, जैसे हमारे इंटेस्टाइन में इकोलाई होती है। ठीक, तो ये बैक्टीरिया अगर अपने नेचुरल हैबिटेट में है, सपोज़ कि सॉइल में प्रेजेंट है, तो इसका कैप्सूल जो है, तो इसका कैप्सूल इसकी सेल वॉल को प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल केमिकल से, यूवी रेडिएशन से, और किसी
ऑस्मोटिक प्रेशर से। ठीक, तो कैप्सूल का फंक्शन क्या हो गया बेटा, कि ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को प्रोटेक्ट करता है किसी हार्मफुल केमिकल या रेडिएशन से, ताकि बैक्टीरिया की सेल वॉल किल ना हो। ठीक, या कि बैक्टीरिया की सेल वॉल डैमेज ना हो। तो ये पहला आपने पढ़ा बेटा कैप्सूल। ठीक, पहली चीज हमने इसमें क्या पढ़ी, पहला पढ़ा हमने क्या, सबसे आउटर कैप्सूल। ठीक, तो कैप्सूल क्लियर हो गया। कैप्सूल एक हेट्रोपॉलीमेरिक सब्सटेंस जैसे पॉलीसेकेराइड एंड लिपिड से मिलके बना होता है। कैप्सूल का फंक्शन होता है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल को प्रोटेक्ट करना किसी हार्मफुल सब्सटेंस से या हार्मफुल केमिकल से या यूवी रेडिएशन से। ठीक, सेकेंड है बेटा इसकी सेल वॉल। ठीक, तो कैप्सूल के अंदर, ठीक, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और कैप्सूल के बीच में ये मिडिल में एक ये लेयर दिख रही है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया की सेल वॉल। ठीक, तो बैक्टीरिया की सेल वॉल का फंक्शन होता है कि बैक्टीरिया को एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करना। जैसे मैंने इसके पहले बैक्टीरिया का आपको अरेंजमेंट एंड शेप बताया था कि कुछ बैक्टीरिया राउंड शेप होते हैं, कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं बेटा, रॉड शेप होते हैं, होते हैं। तो ये इनका जो शेप है कि बैक्टीरिया राउंड शेप होंगे, रॉड शेप होंगे या स्पाइरल होंगे। ठीक, तो ये शेप कौन प्रोवाइड कर रहा है बेटा, सेल वॉल। कि जिस बैक्टीरिया में सेल वॉल होगी उसका एक निश्चित शेप होगा, लेकिन जिस बैक्टीरिया में सेल वॉल नहीं पाई जाती उस बैक्टीरिया का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। ऐसे बैक्टीरिया को भी अभी हम आगे पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। ठीक, तो बेटा सेल वॉल का फंक्शन क्या हो गया, कि सेल वॉल का फंक्शन ये है कि बैक्टीरिया को एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करना कि वो राउंड शेप होगा कि रॉड शेप होगा कि स्पाइरल होगा। ठीक, तो सेल वॉल का फंक्शन हो गया बेटा शेप प्रोवाइड करना। सेल वॉल किससे बनी होती है बेटा, सेल वॉल बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन से। किससे बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन से। ठीक, तो बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन। अब ये पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकेन एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है बेटा। ठीक, ये एक हेट्रोपॉलीसेकेराइड है। तो पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलके बनी होती है क्या, बैक्टीरिया की सेल वॉल। ठीक, तो बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी हुई है। अब बेटा बैक्टीरिया जो होते हैं, तो बैक्टीरिया को दो कैटेगरी में हमने बांटा है, एक ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम निगेटिव। ठीक, पॉजिटिव निगेटिव अभी हम आगे पढ़ेंगे कि किसको कह रहे हैं। ठीक, अभी आप याद रखो कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो बेटा जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल थिक होती है। ठीक, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल क्या होगी बेटा, थिक। ठीक, जबकि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल थिन होती है। ठीक, वो इसलिए कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है, वो पेप्टाइडोग्लाइकेन का जो परसेंटेज है वो 70-80% तक उसमें प्रेजेंट होगा। ठीक, किसमें, ग्राम पॉजिटिव में। ऐसा लिखते बेटा हम, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में 80% तक क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकेन, इसलिए इसकी सेल वॉल क्या हो जाती है, थिक। जबकि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की अगर हम बात करें बेटा, तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में 8-12% पेप्टाइडोग्लाइकेन पाया जाता है। ठीक, यानी पेप्टाइडोग्लाइकेन 8-12% है, इसलिए उसकी सेल वॉल क्या होती है, थिन होती है। ठीक बेटा, इतना याद रखिए आप, ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है सेल वॉल को हमको, कि सेल वॉल पे आपको लिखना है तो इतना लिखिए कि बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है, जो बैक्टीरिया को एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करती है। ठीक, बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव।
पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल थिक होती है जबकि निगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल थिन होती है। क्लियर। अब इसमें थर्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा आपको, ये ठीक, इसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहले भी पढ़ चुका होगा। ठीक, तो बेटा ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन होता है कि बैक्टीरियल सेल का जो साइटोप्लाज्म है ये पूरा अंदर भरा हुआ, इस साइटोप्लाज्म को इनक्लोज करके रखना है। ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन हो गया बेटा, कि साइटोप्लाज्मिक मटेरियल को इनक्लोज करके रखना। तो ये पूरे जितने साइटोप्लाज्म में जितने मटेरियल दिख रहे हैं इन सबको इनक्लोज करके रखा हुआ है। ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है बेटा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड एंड प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। इसमें जो लिपिड होता है वो लिपिड कौन सा होता है बेटा, फास्फोलिपिड। ठीक, तो फास्फोलिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म जो है बेटा वो फर्स्ट टाइम सी नॉगली एंड सी क्रेमर, ठीक, ये दो साइंटिस्ट है बेटा, ये लिखा मैंने यहां पे, सी नॉगली एंड सी क्रेमर, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको फर्स्ट टाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम दिया। ठीक, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसको साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म को इनक्लोज करके रख रहा है। तो बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन हो गया कि साइटोप्लाज्म को इनक्लोज करके रखना, ये फास्फोलिपिड एंड प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन शब्द सी नॉगली एंड सी क्रेमर नामक साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम दिया था। ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल प्रॉपर्टी वाली होती है या सिलेक्टिव परमिएबिलिटी वाली। ठीक, सिलेक्टिव परमिएबिलिटी मीन्स कि इस बैक्टीरिया के अंदर कोई सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स बाहर से अंदर जा सकते हैं बेटा। ठीक, हर कोई मॉलिक्यूल्स इससे अंदर नहीं जा सकता और सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स ही इससे बाहर आ सकते हैं। ठीक, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव परमेबिलिटी। अगर ये परमिएबल होती तो कोई भी मॉलिक्यूल्स या कोई भी सॉल्यूशन जो है तो वो इसके आर पार आ जा सकता है। ठीक, तो ये सिलेक्टिव परमेबिलिटी वाली होती है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ पोर्स होते हैं, उस पोर्स से जो मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं केवल वो ही उससे ठीक आर पार आ जा सकते हैं, दूसरे मॉलिक्यूल्स नहीं, तो उसको हम बोलते हैं सिलेक्टिव परमेबिलिटी। ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम डिटेल अभी आगे के चैप्टर में और पढ़ेंगे बेटा स्ट्रक्चर इसका, तो अभी के लिए इतना। ठीक, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है बेटा, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है। ठीक, फोल्ड होके एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, तो इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मीजोसोम्स। क्या बोल रहे हैं बेटा, मीजोसोम्स। ठीक, ये मीजोसोम का काम क्या है, कि ये मीजोसोम कुछ एंजाइम को कंटेन करता है। ठीक, किसको कंटेन कर रहा है, एंजाइम को। इस एंजाइम को हम बोलते हैं बेटा रेस्पिरेटरी एंजाइम, रेस्पिरेटरी एंजाइम। ठीक, तो ये मीजोसोम्स कुछ रेस्पिरेटरी एंजाइम को कंटेन करता है जो रेस्पिरेशन में इनको काम आता है। ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा, जैसे मैंने आपको बताया कि लिपिड, ठीक, प्रोटीन, ठीक, इससे मिलके क्या हुआ है, ये बना हुआ है। ठीक, तो इसमें लिपिड जो है, तो लिपिड फास्फोलिपिड के फॉर्म में होगा, कि लिपिड से फास्फेट जुड़ गया तो वो क्या बन गया, फास्फोलिपिड। ठीक, और प्रोटीन, तो इसमें 28 to 80% क्या हो गया बेटा, प्रोटीन।
ठीक। और 20-70% इसमें पाया जाता है क्या, लिपिड, ठीक। फिर 5% इसमें वाटर भी प्रेजेंट होता है, ठीक। तो इस प्रकार से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बैक्टीरिया की बनी होती है, ठीक। इसके बाद बेटा इसमें ये दिख रहा है स्ट्रक्चर बाहर की तरफ, ये, ठीक। तो बैक्टीरिया की सेल में, सेल के ऊपर या तो एक एंड पे दिखेंगे या तो दोनों एंड पे दिखेंगे, ठीक। ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर अगर बैक्टीरिया के दोनों एंड पे अगर दिख रहे हैं या किसी एक एंड पे दिखेंगे, तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं बेटा, फ्लैजिला। ये फ्लैजिला बैक्टीरिया को लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, ठीक। तो ये एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक, जिसको हम क्या कह रहे हैं, फ्लैजिला। इस फ्लैजिला का ओरिजिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होता है, ठीक। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन पार्ट है वहीं से इसका क्या होगा, ओरिजिन होगा, ठीक। तो फ्लैजिला का मेन फंक्शन है बेटा लोकोमोशन के लिए, यानी कि बैक्टीरिया को चलने में हेल्प करता है, ठीक। ये जो फ्लैजिला होते हैं बेटा, ये फ्लैजिला कई टाइप के होते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, कहाँ बनाते हैं हम, यहाँ बनाते हैं, चलो, ठीक है। जो फ्लैजिला है, तो फ्लैजिला भी अलग अलग पैटर्न में प्रेजेंट होते हैं, किसमें, बैक्टीरिया में, ठीक। जैसे अगर कोई बैक्टीरिया की सेल है बेटा, ये बैक्टीरिया की सेल, ठीक, इस बैक्टीरिया की सेल में अगर सिंगल फ्लैजिला एक ही तरफ प्रेजेंट है, देखो ध्यान देना बेटा, अगर सिंगल फ्लैजिला है, ठीक, एक एंड पे सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मोनो ट्राइकस, ठीक, मोनोट्राइकस फ्लैजिला बोलेंगे, ठीक, अगर एक ही एंड पे सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट है, ठीक। अगर मान लीजिए कि फ्लैजिला है, बैक्टीरिया की सेल है, इस बैक्टीरिया की सेल में फ्लैजिला, अगर सिंगल फ्लैजिला दोनों एंड पे प्रेजेंट हो, ठीक, सिंगल फ्लैजिला है दोनों एंड पे प्रेजेंट हो, ठीक, तो इसको हम बोलते हैं एम्फीट्राइकस, एम्फीट्राइकस, ठीक, कि जब फ्लैजिला दोनों एंड पे प्रेजेंट हो, ठीक। अगर फ्लैजिला बेटा बंच में, कि एक ही एंड पे फ्लैजिला अगर ऐसे बंच में प्रेजेंट हो, कि बैक्टीरिया की सेल है, बैक्टीरिया की सेल में एक ही एंड पे फ्लैजिला बंच में हो, ठीक, तो इसको हम बोलते हैं लोफोट्राइकस, लोफो ट्राइकस, क्लियर बेटा। सिंगल फ्लैजिला एक एंड पे प्रेजेंट हो मोनोट्राइकस, सिंगल फ्लैजिला दोनों एंड पे प्रेजेंट हो एम्फीट्राइकस, बंच में या स्टूफ में प्रेजेंट है फ्लैजिला वन एंड पे तो लोफोट्राइकस। लेकिन अगर फ्लैजिला, अगर फ्लैजिला दोनों एंड पे बंच में प्रेजेंट हो बेटा, दोनों एंड पे बंच में प्रेजेंट हो, ठीक, तो इसको हम बोलते हैं सिफेलो ट्राइकस, ठीक। ये फ्लैजिला का पैटर्न हो गया बेटा सिफेलो ट्राइकस। अगर फ्लैजिला बैक्टीरिया के चारों तरफ प्रेजेंट है बेटा ऐसे, ठीक, कि बैक्टीरिया के सेल वॉल के चारों तरफ अगर फ्लैजिला प्रेजेंट हो, ठीक, तो इसको बोलते हैं पेरिट्राइकस, ठीक है बेटा। तो देखो फ्लैजिला का पांच पैटर्न हो गया, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस, सिफेलोट्राइकस एंड पेरिट्राइकस, ठीक। तो ये था बेटा फ्लैजिला।
इसके बाद बेटा फ्लैजिला के बाद ये देखो, ये मैंने बनाया है चारों तरफ, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनाए हैं, फ्लैजिला से स्ट्रक्चर इसके छोटे हैं, ठीक। तो इसको हम बोलते हैं बेटा सेक्स पिली, या इसी को कहते हैं फिम्बरी, ठीक, सेक्स पिली या फिम्बरी, ठीक। तो फ्लैजिला से स्ट्रक्चर में छोटे, ठीक, बैक्टीरियल सेल के चारों तरफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर अगर प्रेजेंट हो तो उस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेक्स पिली, ठीक। और ये सेक्स पिली बैक्टीरिया में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के समय, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हम किसको कहेंगे बेटा, कि जब एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में क्या होना है, ट्रांसफर होना है। जैसे ये एक बैक्टीरिया बेटा, ये एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया की ये सेक्स पिली है, ठीक। अब इस बैक्टीरिया का ये डीएनए है, अब ये अपना डीएनए का कुछ पार्ट दूसरे को अगर डोनेट करना चाहे तो उसको, उस मेथड को हम बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से जब अटैच होगा, कॉन्जुगेट होगा, ठीक, तो कॉन्जुगेशन में हेल्प करेगा कौन, ये सेक्स पिली, ठीक है बेटा। अभी कॉन्जुगेशन की प्रोसेस आगे पढ़ेंगे तब क्लियर होगा, ठीक। तो जब बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल किसी दूसरे बैक्टीरिया को डोनेट करता है तो उस समय एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से जब कॉन्जुगेट होता है, ठीक, उससे जुड़ता है, तो वो किसके द्वारा जुड़ता है बेटा, सेक्स पिली के द्वारा, ठीक। अब इसके बाद बेटा इस बैक्टीरिया का ये डीएनए, ठीक, तो चूंकि बैक्टीरिया में, ठीक, बैक्टीरिया में न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, ठीक, कि बैक्टीरिया में क्लियर न्यूक्लियस यहां पे क्या होगा बेटा, अब्सेंट होगा, यानी कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, इसलिए हम बोलते हैं कि बैक्टीरिया सेल में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ये देखो इसका डीएनए पूरा फ्री दिख रहा है, किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इनक्लोज है क्या, नहीं, ठीक। तो बैक्टीरिया में जो डीएनए प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं बेटा न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड यहाँ वर्ड किसके लिए यूज किया गया है, कि जब किसी सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट हो, न्यूक्लियोलस अब्सेंट हो, ठीक, और केवल डीएनए प्रेजेंट हो, उसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, न्यूक्लियाइड। यानी इस बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है वो नेकेड होता है। नेकेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये किसी मेम्ब्रेन से इनक्लोज्ड नहीं है, ठीक। तो बैक्टीरिया का डीएनए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इनक्लोज्ड नहीं होता है, इसलिए बैक्टीरिया में नेकेड डीएनए पाया जाता है, ठीक, और डीएनए ही इसका मेन जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक। तो जो बैक्टीरिया है या जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, ठीक, यानी कि स्पष्ट न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, इनमें न्यूक्लियोलस नहीं पाए जाते, इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, इनका जो डीएनए होता है वो डीएनए नेकेड होता है, ठीक। तो इस नेकेड डीएनए को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, न्यूक्लियाइड, ठीक, ये चीज हो गई। अब इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं बेटा, बैक्टीरिया में डीएनए के अलावा एक एक्स्ट्रा में और डीएनए होता है, एक एक्स्ट्रा में और डीएनए है, उस एक्स्ट्रा डीएनए को हम क्या बोलते हैं बेटा, प्लाज्मिड, ठीक। यानी बैक्टीरिया में एक सर्कुलर डबल स्टैंड, ये देखो ये सर्कुलर फॉर्म में है, डबल स्टैंड है, तो सर्कुलर डबल स्टैंड डीएनए एक्स्ट्रा में प्रेजेंट होता है, तो इसको हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल यानी कि प्लाज्मिड कहते हैं, ठीक, कि बैक्टीरिया में जो एक्स्ट्रा में डीएनए प्रेजेंट है, जो सर्कुलर है, ठीक, तो उस सर्कुलर डीएनए को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड कई प्रकार के होते हैं, जैसे एफ प्लाज्मिड, आर प्लाज्मिड, कोल प्लाज्मिड, ठीक, आर आई प्लाज्मिड, टी आई प्लाज्मिड,
ये अलग अलग प्रकार के इनमें प्लाज्मिड होते हैं। ठीक, तो बेटा इनको अभी हम डिटेल नहीं करते, अभी नेक्स्ट चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे तब इनको हम डिटेल करेंगे। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जिस बैक्टीरिया में प्लाज्मिड होता है बेटा, उस बैक्टीरिया में कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, यानी उनमें कुछ हटके प्रॉपर्टी होती है दूसरे बैक्टीरिया से। वो कैसे कि जैसे देखो बेटा, मैंने यहाँ लिखा है आर प्लाज्मिड, कि प्लाज्मिड के टाइप लिखा है। तो अगर किसी बैक्टीरिया में प्लाज्मिड प्रेजेंट है, लेकिन कौन सा प्लाज्मिड हो बेटा, आर प्लाज्मिड। आर मीन्स हो गया रजिस्टेंस, किसके प्रति रजिस्टेंस बेटा, ड्रग के प्रति रजिस्टेंस। तो अगर किसी बैक्टीरिया के पास आर प्लाज्मिड है बेटा, तो वो बैक्टीरिया क्या होगा कि उस पर ड्रग का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, यानी वो ड्रग्स के प्रति क्या होगा, रजिस्टेंस होगा। ठीक, तो ड्रग रजिस्टेंस प्लाज्मिड यानी कि आर प्लाज्मिड, तो हो गए स्पेसिफिक कैरेक्टर। दूसरी बात कि मैंने यहाँ एफ लिखा है, जिस बैक्टीरिया के पास एफ प्लाज्मिड होगा बेटा, वो फर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, यानी वो अपना जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया को डोनेट कर सकता है, यानी कि वो डोनर सेल की तरह वर्क करेगा। ठीक है, आरआई प्लाज्मिड, आरआई मींस होता है बेटा रूट इंड्यूसिंग। जिस बैक्टीरिया के पास आरआई प्लाज्मिड होगा, वो बैक्टीरिया किसी प्लांट को इंड्यूस कर सकता है। ठीक ठीक, तो रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड कहते हैं उसको। फिर लिखा है मैंने टीआई प्लाज्मिड, टीआई मींस बेटा ट्यूमर इंड्यूसिंग। जिस बैक्टीरिया में टीआई प्लाज्मिड होगा, वो बैक्टीरिया प्लांट में ट्यूमर कॉज करता है। ठीक, प्लांट में क्या करता है, ट्यूमर कॉज करता है। तो ये ऐसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हो गई बेटा जिसके पास प्लाज्मिड होगा। तो ठीक, तो ये हो गए बेटा इनके प्लाज्मिड। ठीक, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कैप्सूल, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मीजोजोम्स, डीएनए, प्लाज्मिड। ठीक, इसके अलावा इनमें ये आरएनए भी प्रेजेंट होता है और राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें जो राइबोसोम्स होता है बेटा, वो कौन सा होता है, 70S राइबोसोम्स। ठीक, राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक में 70S टाइप का होता है, जबकि यूकैरियोटिक में 80S राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, इसके अलावा बेटा इसका साइटोप्लाज्म, कि बैक्टीरियल सेल के अंदर ठीक जेल लाइक मटेरियल प्रेजेंट होता है, डेंस मटेरियल। ठीक, जेल लाइक डेंस मटेरियल प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में 90% वाटर होता है बेटा, इस साइटोप्लाज्म में 90% वाटर, और जो अदर बच गया 10%, तो उस 10% में ये साइटोप्लाज्म साल्ट को, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, लिपिड को, ठीक, इन सब को कंटेन करता है। ठीक, तो साल्ट, लिपिड, प्रोटीन, इन सब को कंटेन करके रखता है, जिसके कारण उसका यानी कि वो डेंस दिखाई देता है आपको। ठीक, तो साइटोप्लाज्म जो है, तो साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन के रूप में यहाँ पे प्रेजेंट क्या है बेटा, कि साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन में कुछ मेटाबोलाइट्स, मैंने लिखा है मेटाबोलाइट्स। ठीक, मेटाबोलाइट्स यानी कि कुछ एंजाइम प्रेजेंट होंगे जो मेटाबॉलिक रिएक्शन में क्या होंगे, यूज होंगे, कि किसी फूड सब्सटेंस को डाइजेस्ट करना है तो डाइजेस्ट करने के लिए यहाँ पर क्या है बेटा, मेटाबोलाइट्स प्रेजेंट है। ठीक, तो ये साइटोप्लाज्म में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड एंजाइम्स आदि यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो बेटा ये था बैक्टीरिया का पूरा क्या स्ट्रक्चर। ठीक, तो मैं समझता हूँ कि आपको ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आए बेटा तो आप वीडियो को बैक करके फिर से देख लीजिए। ठीक, पर अच्छे से समझिए और फिर इसको नोट करिए। ठीक, थैंक यू।